नमस्कार जी हाँ, राजस्थान मौसम ताज़ा समाचार लेकर आए हैं। राजस्थान में झमाझम हुए भारी बारिश का एक बार फिर से मौसम में जरूर बदलाव देखने को मिल सकता है, यानी उत्तर भारत के कई बड़े हिस्सों में आज भी सक्रिय रह सकता है मानसून। लेकिन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के पूरे इलाकों में चिखाची बरसात हमें देखने को मिली है, जैसा कि उत्तरी हुए यहाँ पर जिलों में भी कई जिलों में अच्छी बारिश देखने को मिली है। लेकिन जहाँ दक्षिणी में पूर्वी जिलों में अत्यधिक भारी वर्षा हमें देखने को मिली है, जैसा कि यहाँ पर भरतपुर संभाग के जिलों में वे दक्षिणी राजस्थान के जिले प्रतापगढ़, बारा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, इन झालावाड़ जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए। लेकिन पश्चिमी राजस्थान में अभी भी मानसून बरस नहीं रहा, लेकिन काले बादल जरूर आसमान में छाए रहे, लेकिन हल्की बूंदाबांदी का चंद मिनटों में आगे निकल जाते हैं। लेकिन भारी बारिश का इंतजार अभी भी किसानों को कर रहे हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी तो दे देते हैं, लेकिन बारिश उतनी भारी नहीं हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में एक बार फिर से बारिश की उम्मीद बताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान के आज इन इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है। जैसा कि आपको बता दें, राजस्थान के जयपुर, सीकर, झुंझुनू, दौसा, करौली, नागौर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, पाली व सिरोही, जालौर, अजमेर, बाड़मेर व दक्षिणी जोधपुर जिलों में बादलों की आवाजाही के बीच जैसा कि बिखरी हुई हल्की से मध्यम बरसात की उम्मीद लगाई जा रही है। एक दो स्थानों पर तेज बौछारें भी हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन हम बात करें श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, उत्तर जोधपुर जिले में लगभग मौसम यहाँ पर भी बादल छाए रह सकते हैं। यहाँ पर सुबह या दोपहर के बाद कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है, लेकिन तेज़ बारिश की संभावना कल इन इलाकों में, यानी तेज़ बारिश की संभावना आज भी इन इलाकों में नहीं है। मगर एक बार फिर से पश्चिमी राजस्थान में 30 से 31 जुलाई के दौरान पश्चिमी राजस्थान में ज़बरदस्त बारिश हमें देखने को मिल सकती है। मौसम से जुड़ी हर संबंधित जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।